धनबाद। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने खास कुसुंडा खरकाबाद 10 नंबर पहुंचकर समाजसेवी युवा आंदोलनकारी दिनेश कुमार धारी से सोमवार को मुलाकात कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को नजदीक से जानकारी ली। इस दौरान रेल अधिकारियों से मोबाइल से बात कर इनकी समस्या को अविलंब समाधान करने की मांग की। लोगों ने रेलवे द्वारा आम लोगों के आवागमन के रास्ते में रेलवे लाइन से अवरोधक को हटाने की मांग की तथा बस्ती में MPL की कोयला परिवहन वाहनों से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण से निजात दिलाने, तालाब में पानी देने की मांग किया। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि निगम के इस क्षेत्र में विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। प्रदूषण के रोकथाम के लिए कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं किए गए हैं, इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में स्थानीय कंपनी के प्रति रोष है। इन सब पर दबाव बनाया जाएगा। रेल अधिकारियों ने अवरोध हटाने के लिए आश्वासन दिया है। धनबाद से चुनाव लड़ने के संबंध में कहा कि इसका निर्णय पार्टी की बैठक में ली जाएगी, जिसके लिए आज धनबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह को बहू के रूप में आशीर्वाद दिया है, समर्थन नहीं। मौके पर उदय कुमार सिंह, अरविंद सिंह, दीपक कुमार केशरी, भोलानाथ राम, नागेंद्र सिंह, मुन्ना खान, संजय कुमार आदि मौजूद थे। संवाददाता वरुण वैद्य की रिपोर्ट। वाले गांव में हम लोग गए थे 15-20 दिन पहले, तालाब का रास्ता खोलने का समाधान हुआ अंत में। तो ये देखिए, ये गांव जहां बसा है उसके चारों तरफ जो वातावरण देख रहे हैं, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे तो केवल बात से ये नहीं होगा। जो हवा, अगर ऊपर में गर्दा है, हवा चलेगी तो आएगा ही, हवा कोई रोक नहीं सकता है। तो ऊपर में इस तरह से ये डंपिंग हो रहा है ना, उसको वैज्ञानिक तरीके से करना, पानी का छिड़काव करना, रास्ता में पानी का छिड़काव करना, जो ट्रक जा रहा हो ढक के जाए, ये सब काम कंपनी को करना है, वो सब जानता है, फिर भी वो करता नहीं। दबाव इसी के लिए बनाना है, ये होगा तभी ये होगा, नहीं तो ऊपर में धूल गर्दा रहेगा और हम कहेंगे हम साफ कर देंगे, प्रदूषण ख़त्म कर देंगे, तो इससे होता नहीं। जो कंपनी वाले मुख्य रूप से हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, जब तक इनके गर्दन पर दबाव नहीं पड़ेगा तब तक ये होगा। और एक दिन आके हम कह दें, उसके कहने से नहीं होगा। ये लगातार बार बार की बात है, वो भी कुछ हो तो सूचना करें, वो भी दबाव डालेंगे कि मिलजुल के हम लोग करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। किसी को एक बहू के रूप में आशीर्वाद दिया है कि यहाँ तो हम लोग की जो साथी हों मिल के आज तय करेंगे करना क्या है। हम अकेले निर्णय लेके और कांग्रेस को समर्थन दे दें ये उचित नहीं है। हम आज बैठेंगे, बैठ के तय करेंगे क्या करना है, किस तरह से करना है। कोई कांग्रेस ने प्रत्याशी तय करते समय हम लोग सलाह तो किया नहीं, हम लोग कोई मजबूरी नहीं है कि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, तय करेंगे कभी मेरे बारे में। हाँ, ये सब निर्भर इन लोगों पर करता है। मैं तो पहले दिन से कहा हूँ कि आप लोग तय करिएगा, कार्यकर्ता हमको लड़ना है, कार्यकर्ता हम वो साथी हैं, कोई कार्यकर्ताओं की फौज हमारे पास नहीं है। और जो 2-3 दर्जन लोग हैं हम लोगों के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर की सच्चाई को देख कर वही बताएंगे, वो बताएंगे, वैसा ही मैं करूँगा। क्या लोगों का आस लगाना तो वाजिब है, जो करता है लोग उससे उम्मीद करते हैं, मगर चुनाव एक अलग चीज़ होती है। कोई एक गली मोहल्ले और एक शहर का नहीं है, यहाँ तो 6 विधानसभा क्षेत्र का है। इसलिए मैंने कहा कि सभी जगह से आज लोग आएंगे, बैठ के विमर्श करेंगे, विमर्श करके जो तय करेंगे वैसा करेंगे। ठीक, थोड़ा सा जी, हमारे मोहल्ला में आए 10 नंबर में, बड़ा हम खुश नसीब और हम लोग गाँव खुद के हमारे मोहल्ला में आए और हम लोग जो समस्या सारा इनका पास रखें और कुछ हमारा संदेश है वो उनको पता चल जाएगा। सर के बारे में बोलते हैं कि AC में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज सर को देख लीजिए, एक गरीब के कुटिया में आकर धूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे हैं। यही हमारे ईमानदार समझदार जी, आपसे आशा है सर, बस मेरा वही उन्हीं को संदेश।